आज मेरे को जाके सुस्त भी कर रहे हैं। ठीक है। हेलो एवरीवन, सो आज है 29 तारीख और कल है रखड़ियाँ। सो मैं घर जा रही हूँ आज। एक्चुअली पहले भी जाना था मैंने, बट मैं ऐसी टालती रही क्योंकि जुनू की मी थे यहाँ पर, मेरा मन नहीं कर रहा था उन्हें छोड़ के जाने का। और जुनू काफ़ी बीमार भी रही है, वो बिल्कुल ठीक है। सो जाना तो पड़ेगा ही, मम्मी पापा से भी मिलना है, 2 महीने हो गए उनसे मिली नहीं हूँ मैं। सो बस चलते हैं। और जुनू अभी लेटा हुआ है, थोड़ा वो है कि क्या हो रहा है, क्यों जा रही है ये। टेक केयर। और कल मैं इनके लिए जो है पॉपकॉर्न लेके आई थी, तो इसने खा लिए मोटे ने। और इसका लिफाफा कोली रखा है कि इसमें कुछ है, कुछ नहीं है मोटे शांतलू। सो जिनकी कटन रखी, अपना भी किमीडा भी, और टाइम टू टाइम खाई जाई। ऐवी नहीं कि सारी चीज़ें किमी नू देती, पता है यार ये ना सारी अपनी चीज़ें किमी को दे देती है और खुद कुछ खाती नहीं है। सो मैंने कहा कि पहले खुद खाना है फिर किमी को देना है। सो बस अब चलते हैं थोड़ी देर तक। मम्मी भी मेरे साथ जा रहे हैं, मतलब मम्मी मुझे छोड़ने जा रहे हैं, मम्मी वापस आ जाएंगे और मैं सीधा चलूंगी चंडीगढ़। तो आपको मिलते हैं सीधा बस स्टैंड। बाय मम्मी, इमोशनल हो गए, रोने लग गए। रोना नहीं है, अभी रो जा रहे हो। ओ नाले कुछ ले लियो, नाले तुसी भी ले लियो। A few moments later. तो मैंने सनी को कॉल की और वो कहते दीदी मैं आ जाता हूँ। अभी वो शहीद जी के हैं माथा देखने के लिए, और पता नहीं आवाज़ आ रही होगी या नहीं, बट मैं कोशिश कर रही हूँ। मम्मी को भी कॉल कर दी, दूसरी मम्मी को भी कॉल कर दी, सबको कॉल कर दिया। मैं बस वेट कर रही हूँ सनी का, वो आते हैं फिर हम घर चलेंगे। थैंक गॉड मैंने सरप्राइज विजिट नहीं किया, अगर सरप्राइज विजिट करती ना तो इधर उधर घूमती रहती। मैंने कॉल कर दी थी मम्मी को और पूछ लिया था कि कहाँ उतरना है, तो मम्मी ने बता दी कि यहाँ उतरती हो खरल साइड, क्योंकि आगे फ्लाईओवर काफ़ी ज़्यादा बन रहा है ना, तो मुझे घूम के जाना पड़ता। तो चलो मिलते हैं घर पहुँच कर। नहीं नहीं, जब सनी आ गया तब मिलते, ठीक है। फाइनली सनी ब्रो आ गए, बहुत भारी बैग है भाई। थैंक यू आनवा से। कैसे हो? मैं भी बढ़िया। परेशान नहीं लेके आया? मम्मी ने कॉल आ रही थी, पुआ जी नहीं आया है ना। थैंक यू सनी बैग उठाने के लिए। और फाइनली हम घर पहुंच गए हैं, अब चलो मिले घर वालों से। पीपी दोनों पुआ जी बैठे हुए हैं। सत श्रीकाल पुआ जी। हां जी फिर सनी और मत्था टेकन गया सी गुरुद्वारा साहिब। चला गई ससुरगल अम्मा। ओ ठीक हो? वो ठीक है। हां जी हां जी चला गई। अरे अरे बंद रखड़ी वो चलने दे, तू सीधा रुक जो। मैं चली गई, मेरा टाइम हो गया पता ही है। कोई नहीं कोई। अच्छा अच्छा जी, ये मेरी दोनों स्वीट बुआ जी। हेलो कर दो बुआ जी, हेलो कर दो। One hour later. बुआ जी हम जान लगे हैं, लेट हो गए हैं। ले जा रहे हैं तो पके हुए ही है। हेलो। बुआ जी ने फर्स्ट टाइम पाया हेलमेट है बुआ जी, फर्स्ट टाइम पाया। नहीं अच्छे लग रहे हो, फर्स्ट टाइम पाया ना? नहीं क्यूट लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, थोड़ा अजीब लग रहा हो ना, है ना? बाजू कद्दू फड़ा दो। चलो ठीक है, चलो बाय। तो अभी हम सब खा पी के लेट चुके हैं
मम्मी फ़ोन कर रहे हैं पुआ जी नू जो हजे गए हैं, और बड़ी पुआ जी फ़ोन कर रहे हैं दीदी नू। पहला पुआ जी ने चख लिया और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। सो मिलते हैं थोड़ी देर तक, बाय बाय। सो अभी 4:45 हुए हैं और मैं अभी उठी हूँ। अब थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, सच में बहुत ज़्यादा सिर दुख रहा था, अब दिमाग का दही हो रहा था, अब अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ी देर तक चाय पीता हूँ फिर मिल, नहीं यही बोली जा रही है, मैं फिर मिलती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो अभी चाय रखी हुई है मम्मा ने, सो हम पियेंगे एंड फिर देखते हैं क्या करते हैं। और एक ही मेरे पता नहीं क्या हो गया, पिंपल टाइप का, मेरे कभी फेस पे पिंपल नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ है और इतना ज़्यादा पेन कर रहा है ना यार, मैं टॉलीरेट नहीं कर पा रही इसको, बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। पता नहीं जिनके फेस पे पूरे फेस पे होता है वो कैसे टॉलरेट करते हैं, मुझसे तो ये नहीं समझ आ रहा। और मैं फिर मैंने सोचा कि ये क्यों है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने इतना मीठा खाया है, जो मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना नहीं खाया, बट इस बार बहुत ज़्यादा हो गया, उसके कारण ये हुआ। अब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है यार। अब बस थोड़ी देर तक हम चाय पीते हैं फिर आपको मिलते हैं, ठीक है। सो मेरे साथ माड़ी हो गया, जब मैं सो रखी तो इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, इन्होंने चाय पी ली और मैं वेट कर रही हूँ कि मम्मी बाकी आप पियेंगे। तो मेरी चाय टकी हुई है, सारे ने पी ली है और इन्नी ज्यादा चाय। चलो ठंडी तो पीनी है। मैं तो अंदर मैं अंदर वेट कर रही थी, मैं उठ के भी देखा, मैं क्या चाय अभी तक रखी नहीं, बुआ जी भी बाहर चले गए, मैं भी चाय पी गए उन्हें, पर रखी तो है नहीं, पर पीती पी नहीं रहे। अच्छा क्या ओके, हमें नींद बहुत आई हुई थी, सिर बहुत दुख रहा थी, हम सही लग रहा है, बहुत ज्यादा सिर दुख रहा है, हम ठीक लग रहे हैं। सो चाय मेरी आ गई है, मम्मी कर रहे हैं गरम चमचम जो पुआ जी लेके आए हैं, और छोटी पुआ जी केक लेके आए हैं, और ये मामा जी लड्डू देके गए हैं और हम मीठा खा के मीठे हो गए हैं, मीठा खा के ऐसे मीठे हो गए हैं। तो मम्मी गरम गरम चमचम ले पुआ जी गरम गरम खा सकते हैं। ले लो मम्मी तुसी भी, वो खिल रहे हो अद्दा, मैं ले लूंगी अद्दा, मम्मी ज्यादा गरम करके खाते हैं, जसन भी गरम पसंद है, मम्मी इधर उधर घूमी आ रही है। चलो पहले मैं खा लेती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा खाया और मेरा मुंह जल गया, मुंह भी नहीं। खा लो चम्मच ले आओ, गर्म गुलाब जामुन ठंडी आइसक्रीम, ऐसा आइसक्रीम पा के बिच गर्म गर्म गुलाब जामुन रखो, फिर खाओ जी। जा रहे हैं और हम अलविदा कहने आए हैं। चंगा बुआ जी, बाय, ध्यान ना जायो। मैक्स भी आ गया, ओह गॉड, हाय इतना बार चिट्टा, ओए ओ सुसु नहीं करता यार, मैक्स ऊपर सुसु करता, वो कितना प्यार इतना प्यार इतना प्यार। हाँ आई मिस यू टू गुगी, आई मिस यू टू। बड़ा हो गया छोटू जा छीटू। ठीक है लड्डे, मम्मी बनाया हुआ।
छोटू सा बड़ा हो गया, घूमी घूमी कान चलो जी प्यार मेरे को लगे सुसु कर रहे मैक्स का प्यार देख जीप कितने जा रही है जीप कितने जा रही है चलो बहुत हो गया शुशु हूं पानी की कमी होगी जाओ पानी पियो गर्मी बहुत बड़ा लड़े हो जे क्यूटी मैक्सी क्यूटी मैक्सी क्यूटी चीजी नहीं लेके आया मैं तेरे हजे बड़ा हो गया लाडा शांत हो जा कूल डाउन मैं क्या भूल गया होना अच्छा नहीं भूलिया ठीक है लेकिन नहीं भूलिया मैं भी नहीं भूलिया शी ए बचपन तो तेरा यही काम है क्यूटू चला गया मैक्सू क्यूटीज सो गौरी डर रही है उसने अपना खाना उसको दे दिया चलो चले ऊपर यार गौरी अभी भी देख रही है कि रोटी देंगे तेनो दीती तो सी ओनू देती तो रोटी क्यों दीती इन्ना डरी दा हुंदा है पागल हो गया देखिए खा के चला भी गया वो गौरी गौरी हूं देखना ही नहीं चिड़का जो मारती मैं गोरू जी आ चलो चले अंदर और मैक्सिमम हाँ चलो जी इस व्लॉग का यही एंड करते हैं और मेरे बाल थोड़े बिखरे हुए हैं कल मैंने थोड़ी सी मेहंदी लगाई थी ये देखो कैसे लग रहे हैं यार बाल अजीब से हो गए मेरे मैंने मेहंदी नहीं लगानी है मैंने सोचा था मेहंदी चलो व्हाइट और ब्लैक जो है दो ही तो कलर होते हैं यार बालों के तो देखते हैं व्हाइट कलर कैसे लगता है मेरे ऊपर बट सबने इतना रोला पा दिया ना काले कर तो मैंने मेहंदी लगानी पड़ी और शादी में भी गई थी ना इसलिए और यार ये छोटू सा ना इतना दर्द कर रहा है ना मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहा है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ सो बस इस व्लॉग का यही एंड करते हैं आई होप आपको अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो आपको पता ही है क्या करना है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है सो जल्दी कीजिए सो देट मैं अगला व्लॉग बना सकूं टिल देन बाय बाय बस मैं चाय पीने जा रहा हूँ गर्म कर रहे हैं मेरे दिख नहीं रहे वैसे अभी।
नहीं मैं ब्लॉग ऐड हो गया नहीं ऐड करूंगी नहीं करी ना ठीक है नहीं करूंगी ऐड नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी